राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोहनी का सालाना पुरस्कार वितरण समारोह हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा शैक्षणिक खेलकूद सांस्कृतिक तथा अन्य स्कूली गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों तथा अन्य स्कूली गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंडर होना अति आवश्यक है ताकि वे स्वयं को हर क्षेत्र में व्यवस्थित कर सकें। उन्होंने बच्चों से जीवन में अनुशासन अपनाने तथा कड़ी मेहनत करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा नशा निवारण पर स्क्रिप्ट प्रस्तुत की गई, जहां लोगों को हंसाया गया, वहीं नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। बच्चों ने योगा पर भी शानदार प्रस्तुति दी तथा लोगों को स्वास्थ्य व निरोग रहने के लिए प्रतिदिन योग करने का आह्वान भी किया गया। मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना की तथा स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 6,000 रुपए देने की घोषणा की। इससे पहले स्कूल प्रधानाचार्य नीलम शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा स्कूल की शैक्षणिक खेलकूद सांस्कृतिक तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी।